हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल व्हीकल टीवी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप फ्री में लर्निंग लाइसेंस टेस्ट की ऑनलाइन किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के बारे में कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अभी जो हमने सीरीज चला रखी है इस चैनल पर, लर्निंग लाइसेंस टेस्ट की सीरीज चला रखी है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग लाइसेंस टेस्ट किस तरीके से दे सकते हैं। जो हमारी कोशिश ये रहती है कि आप ये जो लर्निंग लाइसेंस टेस्ट है, एक बार में ही इस टेस्ट को आप पास कर लो। तो चलो वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। जैसे ही सब्सक्राइब करोगे, राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। फ़ायदा इसका ही होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो यहाँ पे परिवहन डाल दीजिएगा किसी भी सर्च इंजन में। जैसे परिवहन आप डालोगे तो सबसे ऊपर रिजल्ट आपको दिख जाएगा, होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जो परिवहन की ऑफिशियल साइट है, parivahan.gov.in की जो ऑफिशियल साइट है, वो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। अब ऑनलाइन सर्विसेज पर आप क्लिक कीजिए, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करें। उसके बाद अगर इस तरीके से पेज आपके सामने नहीं आता है, इस तरीके से आता है स्टेट सेलेक्ट करने के लिए, तो स्टेट अपना सेलेक्ट कर लीजिए जिस स्टेट से भी आपने लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। उसके बाद यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर लर्नर लाइसेंस, इस पर क्लिक करके मॉक टेस्ट फॉर LL, इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। दोस्तों, आप ये जो टेस्ट है, आज जो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, यहाँ से आप दे सकते हो। कितनी भी बार यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, मोबाइल से दे सकते हो आप, या फिर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से भी दे सकते हो इस टेस्ट को, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा। तो अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल से भी आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। तो फ्री में आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक दो टेस्ट में दे के आपको दिखा देता हूँ। एप्लीकेंट नेम में हम डाल देते हैं जो भी नाम, वो डाल देते हैं अपना नाम, आप यहाँ पर डाल सकते हो जो भी आपका नाम है। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा, किस लैंग्वेज में आप टेस्ट को देना प्रेफर करते हो। उसके बाद यहाँ पे आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, कौन सा स्टेट आपका। उसके बाद साइन इन पे क्लिक करें, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें से कौन सा चिन्ह बताता है कि दाईं ओर उल्टा घुमाव है, तो दाईं ओर उल्टा घुमाव पहला वाला ही करेक्ट हो जाता है। फर्स्ट हमने क्लिक कर लिया है दाईं ओर उल्टा घुमाव, पुष्टि पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद सेकंड वाला, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, बाएं मुड़ सकते हैं, आगे जाना या बाएं मुड़ना बाह्य कार्य है। तो हमारे अकॉर्डिंग जो है सेकेंड वाला हो जाएगा, पुष्टि पर क्लिक कर लेते हैं। तो ये गलत हो गया हमारा एक, ठीक है। किसी अपंजीकृत वाहन को सार्वजनिक स्थान पर चलाना अवैध है, पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं। कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे बजरी पड़ी हुई है, तो जो कौन सा हो जाएगा इसमें, सेकंड वाला करेक्ट, पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे सड़क पर तिराया है, कौन सा, थर्ड वाला हो जाएगा करेक्ट, पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, तो प्राथमिक चिकित्सा का हो जाएगा, प्राथमिक चिकित्सा चौकी भी बोल सकते हैं इसको, या प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, ठीक है, वो भी बोल सकते हैं। तो इसमें या चौकी आया, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र आया, तो इसमें आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमने पहला क्लिक कर दिया, पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद कौन सा चिन्ह बताते हैं कि फाटक वाला रेलवे क्रॉसिंग 100 मीटर की दूरी पर, जो एक चिन्ह किसमें है, जो फोर्थ वाला, ठीक है, ये हमारे अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा, पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं। कौन सा चिन्ह बताता है कि बाईं तरफ का मोड़ है, बाईं तरफ का मोड़ है, कौन सा चिन्ह हो जाएगा, बाईं तरफ का मोड़ है, थर्ड वाला हमारे अकॉर्डिंग, पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं। कौन सा चिन्ह बताता है कि हाथ गाड़ी का प्रवेश निषेध है, वर्जित है, फर्स्ट वाला हो जाएगा, पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद टेंथ फाइनल क्वेश्चन आ गया, जब यह स्कूल बस छात्र को उतारने या चढ़ाने के लिए खड़ी हो, तो यह सावधानी रखें, हॉर्न बजाकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ छात्र द्वारा अचानक रास्ते पार करने की आशंका है, सेकेंड वाला ना, ये करेक्ट हो जाएगा हमारे अकॉर्डिंग, पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हो स्कोर कार्ड, रिजल्ट आ चुका है। तो हमने कितना स्कोर किया है, 9 मार्क्स आए हमारे 10 में से।
उसके बाद इसी तरीके से एक दूसरा टेस्ट देख लेते हैं, एग्जिट पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे फटाफट इस टेस्ट को दे लेते हैं हम। ठीक है, इसी तरीके से आप देते रहिएगा इस टेस्ट को, यहाँ से दबा के प्रैक्टिस कीजिएगा, और जब आप इस टेस्ट में अच्छा स्कोर करने लगो तो उसके बाद ये एक्चुअल टेस्ट आप दीजिएगा, ताकि एक बार में ही इस टेस्ट में आप पास हो सके। तो मेरी कोशिश यही रहती है डेली, इसलिए मैं इससे रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ, ताकि इस टेस्ट में आप फेल ना हो, आसानी से इस टेस्ट को पास कर सके। अनिवार्य सड़क चिन्ह किस में प्रदर्शित किए जाते हैं, तो थर्ड वाला हो जाएगा, पुष्टि पर क्लिक कर रहे थे तो ये हमारे गलत हो गया, इसमें फर्स्ट उसमें करेक्ट था। यह चिन्ह प्रदर्शित करता है ऊंची नीची सड़क हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, ऊंची नीची सड़क, घाट रास्ता, इनमें से कोई नहीं, तो ऊंची नीची सड़क कर लेते, पुष्टि पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद कौन सा चिन्ह बताता है कि दाई और उल्टा घुमा हुआ है, दाई और उल्टा घुमा हुआ है, फर्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, फर्स्ट हो जाएगा, पुष्टि पे क्लिक कर देते हैं। कौन सा चिन्ह बताता है कि रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए कौन सा बता रहा है, तो कौन सा बता रहा है रास्ता दीजिए, तो हमारे अकॉर्डिंग फर्स्ट हो जाएगा, ये रास्ता देने के लिए फर्स्ट। ठीक है, चेक कर लेते हैं, पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं, तो ये हमारा करेक्ट है। तो जो ग्रीन आ जाता है ना, इसका मतलब करेक्ट है, वहीं अगर ऑरेंज आता है तो इसका मतलब इनकरेक्ट है। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है गति सीमा का प्रतिबंध समाप्त, थर्ड हो जाएगा हमारे अकॉर्डिंग, पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं। कौन सा चिन्ह बताते हैं कि आगे दाई मुड़ना अनिवार्य है, आगे दाई मुड़ना, सेकंड वाला। अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन, उसके बाद अच्छे से ऑप्शनों को देखिएगा और उसके बाद ही पुष्टि पे क्लिक कीजिएगा। यह चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, तो ऑटो पार्किंग का हो जाएगा, ऑटो रिक्शा की पार्किंग स्थल, पुष्टि पे क्लिक करते हैं। रियर व्यू शीशा प्रयोग होता है, तो पीछे का देखने, पीछे से आने वाले यातायात को देखने के लिए, पुष्टि पे क्लिक कर देते हैं। यह चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, तो एक्सल के बाहर सीमा, पुष्टि पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो स्कोर दिखा देगा, जो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था ये गलत था, करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट वाला हो जाता और हमने थर्ड वाला इसमें किया था। ठीक है, एग्जिट पे क्लिक कर देते हैं, और उसके बाद जब आप अच्छा अटेम्प्ट करने लगो तो उसके बाद यहाँ पे जो है ना ऑनलाइन LL टेस्ट स्टाइल, इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ से आप जो एक्चुअल टेस्ट है उसको दीजिएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले दबा के प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसकी सीट डाउनलोड करना चाहते हो प्रैक्टिस सेट की, तो सैम्पल क्वेश्चन फॉर LL टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा, सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, और जो भी लैंग्वेज वो सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने, और सबमिट पे क्लिक करके सीट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी, वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हमने इस चैनल पे व्हीकल रिलेटेड और लाइसेंस रिलेटेड काफ़ी वीडियो अपलोड कर रखी है, अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और अबाउट पे क्लिक करके सोशल साइट पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, लिंक्डइन, इन सब के भी लिंक हमने ऐड कर रखे हैं, अगर आप इन पे जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है जी, और उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे चैनल पे आप वीडियो किस तरीके सर्च कर सकते हैं, तो जैसे हम यहीं पर डाल देते हैं, और ठीक है गूगल ही डाल देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर टेक्निकल बातें डाल देते हैं, तो इसलिए मैं इसमें आपको बता रहा हूँ ताकि आपको हमारे चैनल पे वीडियो खोजने में कोई दिक्कत न हो। टेक्निकल बातें किसी भी सर्च इंजन में आप सर्च कर दीजिएगा टेक्निकल बातें, उसके बाद जो एक मिनट, ये तो क्योंकि यूट्यूब का ही आ गया, अगर आप डेस्कटॉप में खोल रहे हो ठीक है, या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें भी ना, इसमें जो प्लेलिस्ट है इस पर क्लिक करके अगर लाइसेंस रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते हो, ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करोगे, तो जैसे हमने यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड जितनी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है ना, वो सभी आपको दिख जाएगी। जिस वीडियो को भी आप देखना चाहते हो तो वो आप देख सकते हैं।
ठीक है, इसमें जो बहुत वीडियो अपलोड कर रखे, चाहे लर्निंग लाइसेंस हो, परमानेंट डीएल, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, एड्रेस चेंज, नेम चेंज और भी लाइसेंस रिलेटेड काफ़ी वीडियो अपलोड कर रखी है। वहीं अगर व्हीकल रिलेटेड देखना चाहते हो तो व्हीकल पर क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद व्हीकल रिलेटेड भी काफ़ी वीडियो आप यहाँ से देख सकते हैं जो हमने अपलोड कर रखी है। और जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा और घंटी दबाकर और भी क्लिक कर दीजिएगा। फ़ायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।